नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कई साथियों ने रिक्वेस्ट की सेल्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, सेल्स के ऊपर। तो सेल्स के ऊपर मैंने सोचा, सेल्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देखा जाए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और सच कहें तो सारी दुनिया में हर कोई व्यक्ति सेल्स कर रहा है, हर कोई व्यक्ति सेल्स कर रहा है, चाहे हम अपने घर में देखें, चाहे समाज में देखें, चाहे किसी और जगह देखें, हर तरह से हर जगह सेल्स हो रहा है। मतलब हर जगह खरीदना बेचना हो रहा है, भले ही कहें छोटा बेचे, छोटा खरीदे बड़ा बेचे, या व्हाटएवर। घर के अंदर भी इवन हम लोग कर रहे हैं, वो भी सेल्स कर रहे हैं। एक सेल्स का दूसरा रूप है, एक दोस्तों में भी हम कर रहे हैं तो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स। वो भी एक तरह से सेल्स ही है देखा जाए तो। हम ये सेल्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा शिक्षा देनी पड़ेगी किसी को, क्योंकि सेल्स हर व्यक्ति कर सकता है। बस उसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और इसके बारे में एक दो वीडियो बहुत बनाऊंगा, लगातार बनाऊंगा। तो पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें दो तीन पॉइंट मैं रख रहा हूँ आपके सामने, आप देखिएगा इसको और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो सेल्स करते हैं, सबसे पहले जिसको भी सेल्स करना है, बेचना है, जो प्रोफेशनली सेल्स करता है, और सेल्स भी दो तीन तरह की होती है। एक तो ये है कि अपना खुद का बिजनेस है, अपने लिए सेल्स करना, ठीक है। दूसरा है कि किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे सेल्स करना आपको, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। तीसरा है आप सैलराइड पर्सन है, फिर सेल्स कर रहे हैं। सैलराइड पर्सन आपको सैलरी है, सेल्स करने की सैलरी मिलती है, उसमें कोई आपका वो नहीं, चाहे आप एक महीने 10 लाख की सेल्स कर दो या 50 लाख की सेल्स कर दो। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि मोटिवेशन थोड़ा कम होता है। कमीशन बेसिस पे जो सेल्स होती है उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है व्यक्ति का, कि उसमें जितना चाहे उतना कमा सकता है, जितना करेगा। हर सेल्स के ऊपर एक कमीशन होता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं होता, वो कह रहे यार महीने की तनख्वाह नहीं है इस महीने, हमने अगर जैसे LIC की पॉलिसी है, हर महीने 12 पॉलिसी बेचनी है मान लो, तो वो कह रहे हैं नहीं बेच पाया। कोई और कंपनी, उसने कहा ठीक है आपको हम तनख्वाह पे रखते हैं, लेकिन हर महीने आपको इतना काम करके देना होगा, या इतना ना भी करते हैं तभी हम सैलरी इतने से इतने के बीच में करना होगा, तो उसमें कोई टारगेट नहीं है बहुत बड़ा है, तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन असल में जो सेल्स पर्सन होता है, जिसको सेल्स का कीड़ा होता है जिसके अंदर, वो ऐसे जॉब को पसंद करेगा जिसमें आपको टारगेट दिया जाए, यहाँ से आप टारगेट चाहिए, इसमें आपको इतना करना है, मुझे 20 पॉलिसी बेचनी है, तो मैं कम से कम 20 पॉलिसी बेचनी है आपको, या 20 आइटम बेचना है, कुछ भी ऐसा करना है, 20 करना है तो, या 5 करना है, 10 करना है, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। 10 आपको कूलर बेचने हैं, 10 AC बेचने हैं, 20 फ्रिज बेचने हैं, इस तरह का कुछ टारगेट होता है, ऐसा जो भी है अलग अलग चीज़ों में, तो ये बेचना है। तो जो बाकी में बिजनेस करने का सोचेगा, जो बाकी में सेल्स पर्सन होगा, वो इसको चूज करेगा, और 20 से ऊपर आप जितना बेच लो उसका एक पर्टिकुलर और कमीशन मिलेगा आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसे करके करेंगे तो ये कई लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप बात आता हूँ सेल्स के ऊपर। सेल्स में मैं 3-4 पॉइंट बताऊँगा आपको, बाकी कुछ पॉइंट अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो ये है कि सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप प्रिंटर बेच रहे हैं, आप AC बेच रहे हैं, आप पॉलिसी बेच रहे हैं, जीवन बीमा पॉलिसी बेच रहे हैं, या कोई और पॉलिसी बेच रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपका सामने वाला कोई भी आपसे क्वेश्चन करे तो आपको मतलब उसमें हिचकिचाहट ना हो, हिचकिचाना ना पड़े आपको, आप तुरंत बता दें अच्छा उसने पॉलिसी बेचा, सपोज जीवन बीमा की पॉलिसी बेच रहे हैं, LIC की पॉलिसी बेच रहे हैं, कस्टमर ने पूछा इस प्लान का नाम क्या है, ये नाम है, कितने साल का है, कितने साल का है, इससे आगे करेंगे तो क्या होगा, कितना मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, इस तरह के तमाम क्वेश्चन। AC का बेच रहे हैं तो ये कौन सा AC है, कितने टन का है, इतने बाई इतने का ये कमरा हो तो उसमें कितने टन का AC लगाया सफिशियंट है, इसकी लाइट कितनी लाइट खर्च करता है, कितने वोल्ट वॉट लाइट लेता है, कितना क्या है, क्या पावर है इसके अंदर, सॉरी क्या मतलब बैटरी से भी चल सकता है, इन्वर्टर से भी चल सकता है, या लाइट से चलेगा, इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। तो उन क्वेश्चन के लिए आपको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े। जैसे मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं, कई
सेल्स गर्ल्स की या सेल्स मैन की, अलग अलग प्रोडक्ट की, फला फला ले लो। अब उसमें क्वेश्चन पूछते तो सर मैं आपके सर से पूछ के बताती हूँ या बताता हूँ, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ या बताती हूँ, इस तरह की बातें आती, तो उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें समझो अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपका 50% 40% डील हाथ से निकल जाएगी, ऐसा मान के चलो 50% ही बचेगी, ठीक है जी। अब आता है कि कई दुकानदार ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ की दुकानदारी कर रहे हैं, ये चीज़ बेच रहे हैं, और उसमें हम मतलब ये वाला ब्रांड रख रहे हैं, ये आइटम रख रहे हैं। तो उसमें क्या होता, हमें कस्टमर की नीड पकड़नी है, कस्टमर को क्या चाहिए। इस एरिया में पावर कट ज़्यादा होता है, तो हम जो एसी बेचेंगे वो ऐसा एसी बेचेंगे कि वो इन्वर्टर से भी चल जाए, कि मतलब पावर कट हो गया तो इन्वर्टर से वो एसी चल रहा है। इस तरह से ऐसी तरह की चीज़ें हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती हों, है ना। पानी नहीं आता है तो पानी नहीं आता है, सबमर्सिबल लाइट नहीं आती है तो सबमर्सिबल से पानी नहीं आता है, या फिर मतलब साथ में ग्राउंड वाटर जो टैप वाटर है, जो सरकारी नल का पानी है, वो खींच नहीं पा रहा है, प्रेशर नहीं आ पा रहा है उसका पूरा, तो उसके लिए हम ऐसी मोटर रखेंगे जो किफ़ायती हो, सस्ती हो, और मतलब कस्टमर की नीड को फुलफिल कर दे। तो कस्टमर की नीड हमें देखनी है हर तरह से, जैसे बीमा बेचने भी जाते हैं तो कस्टमर की नीड देखनी है हमें, कि ये सैलराइड पर्सन है, ये सरकारी जॉब वाला पर्सन है, ये सैलराइड सरकारी जॉब वाला पर्सन है लेकिन मतलब इसको पेंशन नहीं मिलनी है, तो इस तरह से मतलब ये इनको इस तरह का बीमा दिया जाए, इस तरह की पॉलिसी दी जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब हमें ध्यान में रखनी होगी कस्टमर की नीड को, क्योंकि कस्टमर हमें वो चीज़ बेचनी है जो कस्टमर को पसंद आती है, हमें वो नहीं बेचना है जो हमें पसंद आता है। कई दुकानदार देखे ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ये बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो कस्टमर है वो थोड़े से मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोग रहते हैं। तो आपका कुर्सी मेज का भी काम है, सपोज करो कुर्सी बेचने का काम है, फर्नीचर का काम है, तो वहाँ थोड़ा सस्ता और अच्छा फर्नीचर चाहिए होगा, मजबूत फर्नीचर चाहिए होगा, कम डिजाइन हो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये सस्ता चाहिए होगा, बढ़िया चाहिए होगा, है ना, अच्छा भी हो ऐसे। और हाई क्लास सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे महंगे का कोई सबसे पैसे की कोई समस्या नहीं है, जितना महंगा उतना चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, सुंदर डिजाइन होनी चाहिए, शानदार होना चाहिए, ये कस्टमर की नीड होती है। इस तरह की नीड के हिसाब से अगर आप सामान बेचोगे और या अपने जिस जगह पे, जिस मुकाम पे, जिस जगह पे आप हैं, तो वो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है जी। अब कस्टमर इतने सब होने के बाद भी कस्टमर नो बोल देता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या कई बहानेबाजी करने लगता है, तो इसमें हम दुखी हो जाते हैं, कई लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं, दुवासा सा मुँह बना लेते हैं। सपोज करो 20 दिन बीत गए, महीने में 20 दिन बीत गए हैं और अभी तक मैं एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाया हूँ, 10 दिन रह गए, 10 दिन में मुझे 20 पॉलिसी बेचनी है, कैसे बेचेंगे, इसने भी मना कर दिया, कैसे होगा, क्या होगा, सोचने में लग जाते। दोस्तों जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाता है, और ज़्यादा नेगेटिव होने का डर दिखाता है, तो हमें नेगेटिव नहीं होना है। वहाँ पर कस्टमर ने नो किया है, आपके प्रोडक्ट को नो किया है, आपकी उस पर्टिकुलर सर्विस को, इस सेवा को नो किया है, आपको नो नहीं किया है, तो हमें वहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, अपने बिहेवियर के ऊपर हमें अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा है। कस्टमर ने नो बोल दिया, आप उखड़ गए, मूड ख़राब हो गया, परेशान हो गए, आपने उल्टे मुँह बात करना चालू कर दिया, ऐसा है तो भाई ये सेल्स है। हम किसी की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, हम उसकी पॉकेट में हाथ डालकर जबरदस्ती नहीं निकाल सकते पैसा, हमें उसको सेटिस्फाई करना होगा। ये जितना भी सेल्स होता है उसमें एक इमोशन जुड़ा होता है, जैसे बच्चों के आइटम में कैडबरी फलाना ढिमका, ये जो चॉकलेट्स है, बच्चों के फर्नीचर बनाने वाले हैं, बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, वो एक इमोशन से जुड़ी होती है, वो इमोशन क्रिएट करती हैं, एक ऐसा अलग सा, तो कि बच्चा इंस्पायर होता है, बच्चा इंस्पायर होता है, बच्चा पुश करता है अपने मतलब पेरेंट्स को कि नहीं ये लेना है, जिद करता है ये ले करना है। तो सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, या वो
कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या वो कैसे अट्रैक्ट हो इस प्रोडक्ट की तरफ, तो हमें ऐसे उपाय करने होंगे। अब हम ऐसे उपाय कर लेंगे, अपने बिहेवियर को हमेशा खुश मिजाज रखेंगे। एक सेल्स पर्सन के मुंह पर हमेशा खुशी होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक मुस्कुराहट अगर उसके मुख में होगी, चेहरे पर होगी, तो वो बहुत आगे जाएगा। आपको देखा, एक गुस्से वाले आदमी से या कोई वैसे आदमी से, व्यक्ति से, महिला से कोई बात करना अच्छा पसंद नहीं करता, या कोई सामान लेना। एक दुकानदार है, उसके पास सस्ते सामान है, अच्छे सामान है, लेकिन वो बिहेवियर बहुत रूड है, बेकार है। वो हाँ, लेना हो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको नहीं चाहिए, नहीं जमता है तो मत लो, ठीक है। इस तरह से, मतलब इस तरह की बातें वो करता है कि ठीक है, तुमको नहीं जमता है तो मत लो, कोई बात नहीं। दूसरा दुकानदार है, उसके पास प्रोडक्ट उस दुकानदार के मुकाबले नहीं है, उससे थोड़े से 19 हैं, रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो उसके चेहरे पे खुशी है, वो खुश है, मुस्कराता है, मुस्करा के बात करता है, वेलकम करता है। बड़ा बूढ़ा कोई आता है तो उसको उठ के चेयर देता है, कुर्सी देता है, तो बोलता है कि ठीक है, तो वो अच्छा है, कस्टमर उसके पास जाना पसंद करता है। तो अपने सेल्स में आगे बढ़ना है आपको, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। और वैसे ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू।